वर्कबुक रेनबो क्लास 3 लेसन 16 ऑन द रोड। कंप्लीट द पोयम, पोयम को कंप्लीट करना है, इसको बुक से देख के आप लिख सकते हैं। स्टॉप सेज द रेड लाइट, गो सेज द ग्रीन लाइट, वेट सेज द येलो टिल द लाइट इज ग्रीन। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स गिवन बिलो। यहां दिए गए शब्दों को जो उचित है उसको खाली जगह में भरना है। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, अर्थात हमेशा फुटपाथ पर चलें। यूज द जेब्रा क्रॉसिंग व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, रोड को क्रॉस करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें। नेक्स्ट है, लुक एट द ट्रैफिक लाइट्स बिफोर क्रॉसिंग द रोड, यानी रोड को क्रॉस करते समय पहले ट्रैफिक लाइट को देखें, जब चलने का सिग्नल हो तब उसको पार करें। नेवर प्ले ऑन आर नियर द रोड, रोड पर या रोड के अगल बगल कभी ना खेलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर्स एंड पुट टिक ऑन द थिंग्स दैट कैन मूव एंड क्रॉस ऑन द थिंग्स दैट कैन नॉट मूव, अर्थात चित्रों को देखकर जो मूव कर सकते हैं अर्थात एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं उन पर सही का निशान लगाना है, और जो नहीं मूव कर सकते उन पर गलत का निशान लगाना है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये ट्रैफिक लाइट है, मूव नहीं कर सकता, यहाँ क्रॉस है, और ये एरोप्लेन है, ये मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, इस पर टिक किया गया है। तो इसी तरह से ट्रेन है, ट्रेन मूव कर सकता है तो सही का निशान लगाएंगे, और ये ट्री है पेड़, ये नहीं मूव कर सकता तो इसको क्रॉस कर देंगे। इसी तरह से ये वेल है कुआं, तो ये मूव नहीं कर सकता, क्रॉस कर देंगे, और ये ट्रक है, ये मूव कर सकता है तो इसको सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर द ट्रैफिक लाइट्स एंड राइट व्हाट दे इंडिकेट। ये ट्रैफिक लाइट बना हुआ है, इसको कलर करना है और इससे क्या संकेत मिलता है ये यहाँ लिखना है। तो यहाँ आप कलर कर लेंगे, यहाँ रेड कलर अर्थात लाल रंग से, इसको येलो अर्थात पीले रंग से, और इसको ग्रीन अर्थात हरे रंग से आप कलर कर लेंगे, और इसको यहाँ लिखेंगे रेड स्टॉप सेज द रेड लाइट, अर्थात रेड लाइट का मतलब है स्टॉप, रुक जाना। येलो वेट सेज द येलो लाइट, येलो लाइट कहती है कि इंतजार करो। ग्रीन गो सेज द ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट कहती है कि चलो। अगला प्रश्न है, लुक एट द पिक्चर्स एंड पुट देम अंडर द करेक्ट हेड। ये पिक्चर्स को देखना है, सारे पिक्चर्स को, और यहां इसको लिखना है कि कौन सा वाटर ट्रांसपोर्ट है, कौन सा लैंड ट्रांसपोर्ट है, और कौन सा एयर ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट देखेंगे, अर्थात ऐसे ट्रांसपोर्ट जो पानी में चलते हो। तो इसमें क्या क्या है, जैसे बोट है, शिप है, और सबमरीन है। जैसे ये शिप है और ये सबमरीन है, तो ये पानी में चलते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ लिख देंगे बोट, शिप और सबमरीन। इसी तरह से लैंड ट्रांसपोर्ट अर्थात जो जमीन पर चलते हैं, तो देख के लिख देंगे जीप, बाइसाइकिल और रिक्शा, ये जमीन पर चलने वाले हैं। इसी तरह से एयर ट्रांसपोर्ट यानी जो हवा में उड़ते हैं, तो जैसे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, हॉट एयर बैलून, ये सब हवा में चलने वाले ट्रांसपोर्ट के साधन हैं।
इस तरह से इसको देखकर पूरा अभ्यास आप कर सकते हैं।